दिनांक 24 फरवरी 2024 को जनपद हापुड़ के थाना गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के ब्रजघाट पर लगातार अवैध रूप से पार्किंग ओवर टेकिंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसके दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय में पुलिस टीम प्राइवेट गाड़ी से ब्रजघाट पहुंचे तो पाया कि पार्किंग के ठेकेदार कर्मचारियों द्वारा पार्किंग पर्ची पर ओवर रेटिंग अवैध रूप से वसूली की जा रही थी। संबंधित कर्मचारी को हिरासत में ले लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कारी नईम के साथ संवाददाता अबरार की खास रिपोर्ट। क्या खामियां उसमें पाई गई और किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? देखिए, कई दिनों से गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के लोगों द्वारा और यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा ये कंप्लेन दी जा रही थी कि यहाँ पे अवैध तरीके से पार्किंग की वसूली कर रही है जो जिसका भी पार्किंग का ठेका है। इस कंप्लेन को वेरीफाई करने के लिए आज हम और हमारी पूरी टीम जो साथ में सभी एक प्राइवेट गाड़ी से यहाँ भ्रमण करा और भ्रमण करने के उपरांत अलग अलग पार्किंग में गए और उसमें ये पाया गया कि कई जगह जहाँ पर्ची पे 50 रुपए लिखा है वहाँ 60 रुपए लिया जा रहा है, कहीं कहीं 53 रुपए लिखा है वहाँ भी 60 रुपए लिया जा रहा है, कहीं कहीं उसके एवज में 100-100 रुपए भी लोगों से डिमांड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी देखा गया कि किसी भी गली में अगर आप ब्रजघाट क्षेत्र में घुसेंगे तो आपको पार्किंग का शुल्क देना पड़ रहा है, जो कि गलत है। यदि पार्किंग का शुल्क देना है तो पार्किंग के स्थल का देना है, और जब भी हम अंदर घुसते हैं, हम किसी भी गली में पार्किंग लगाने की कोशिश करते हैं तो वहां पार्किंग के ठेकेदार के व्यक्ति आकर के डरा धमका करके पैसे ले रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा आज ये कार्रवाई की गई है। इसमें जो संबंधित ठेकेदार है फर्म, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पुलिस की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, और जितने भी लोग जो अवैध वसूली करते हैं और डरा धमका करके लोगों से पार्किंग लेते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर कुछ ऐसी भी बात सामने आ रही है कि उनके पास जो पर्चियां थी वो अलग अलग रेट की कुछ पर्चियां थी। हाँ देखिए, एक जगह पार्किंग की जो पर्ची है वो नीले कलर की, उसमें रेट 53 रुपए लिखा है, और एक जगह एक पर्ची है हरे कलर की, उसमें वही रेट 50 रुपए लिखा हुआ है, जिससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 53 रुपए या रेट 50 रुपए है, और उसके एवज में ये लोग 53 या 50 रुपए ना लेकर के लोगों से 60-60 रुपए वसूलते हैं, और कहीं कहीं जो बाहरी व्यक्ति होता है दूसरे राज्यों के हैं उनसे लोग 100-100 रुपए भी ले लेते हैं, और जब नहीं देते हैं तो उनको लड़ाई झगड़ा करके उनको अभी एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, और जो संबंधित फर्म उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।